नमस्कार दोस्तों, आज के योगा क्षेत्र में आपका स्वागत है। एक जगह पर खड़े होकर देखिए, पैरों को ऐसे ऊपर नीचे करना है। योगिक जॉगिंग की 12 स्टेप करते हैं, फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार करते हैं। यह आसन से कुछ व्यायाम मैं आज आपको बताऊंगा। 10-15 मिनट में हो जाता है ये। देखिए, एक जगह पर ऐसे खड़े होकर हाथों को ऊपर नीचे करना है। शरीर में लचीलापन आ जाता है, जो थोड़ा सा थोड़ी सी गति बढ़ा सकते हैं उनको। ऐसे तीव्र थोड़ी सी गति बढ़ानी चाहिए। ऐसे करना चाहिए। फिर देखते अगला। ऐसे हाथों को पूरा ऊपर उठाना है और पैरों को, इस हाथ को उठाते इस पैर को उठाते, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे। शुरू में धीरे धीरे करना। फिर इसे भी तेज गति से हम कर सकते हैं ऐसे। माई फिर रहा है ज्यादा। फिर देखिए, ऐसे घुटनों को मोड़ना है, ऐसा इतना जो इतना कर सकते उनको इतना करना चाहिए। ऐसे एक दो बार इतना किया, फिर पूरा बैठते हैं ऐसे, फिर उठते हैं। फिर साइड से देखिए ऐसे। हम योगिक जॉगिंग की 4 नंबर की स्टेप ऐसे करना। इससे आपकी मांडिया बहुत मजबूत बनती है। ऐसे करते रहना 4-5 बार 6 बार। फिर इसके बाद देखिए ऐसे। जो इतना कर सकते हैं उनको इतना करना चाहिए। ऐसे सुबह सुबह खुले स्थान पर बैठकर योगा अभ्यास करना। सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फिर नेक्स्ट 6 नंबर ऐसे देखिए, सांस को भरते हुए पीछे जाते हैं, छोड़ते हुए आगे आते हैं। फिर साइड से करना। देखिए ऐसे साइड से ऐसे हाथों को सरल रखना है। ऐसे मोड़ना नहीं हाथों को, ऐसे सरल रखना है हाथों को। फिर ऐसे इसी उसके विपरीत साइड में करते हाथों को सरल रखना है।
इससे आपकी ये कमर भी बहुत अच्छी होती है और साइड का जो फैट है वो भी एकदम फिटनेस हो जाता है, फिट हो जाती है आपकी बॉडी। इससे इस अभ्यास से देखें ऐसे धीरे धीरे करना और फिर अपने आप आपकी गति बढ़ती है। शुरू में धीरे धीरे करना, अपने आप आपकी गति बढ़ती जाएगी। फिर साइड से करते हैं, देखिए ऐसे 9 नंबर की स्टेप है, ऐसे साइड से योगिक जॉगिंग की 9 नंबर की स्टेप कर रहे हैं। अब हम हथेली को देखना, फिर 10 नंबर की स्टेप है क्विक जॉगिंग की, पीछे जाते समय श्वास को भीतर भरते हैं और आगे आते हैं तो श्वास को बाहर छोड़ते हैं। ग्यारह नंबर की स्टेप देखिए ऐसे, 11 और 12 नंबर की स्टेप बताता हूँ दोनों की मैं। अब योगिक जॉगिंग की 12 स्टेप हमने अभी की है। अब हम सूर्य नमस्कार करते हैं 5 बार। देखिए 1 नंबर की स्टेप, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 और ये 12। केवल सूर्य नमस्कार भी करते हैं 5 मिनट तो पूरा शरीर लचीला बनता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है शरीर में, पूरे शरीर की मालिश होती है। बहुत ही अच्छा है ये सूर्य नमस्कार, एकदम जबरदस्त है। फिर से करते हैं, 1 श्वास भरते हुए, 2 श्वास छोड़ते हुए, 3 4 5 6 7 8 9
10, 11 और 12, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 4 बार हो चुका है। अब 5 बार लास्ट बार करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये हो गया सूर्य नमस्कार। और कुछ बैठकर ऐसे व्यायाम सुषुम्ना व्यायाम करना चाहिए। सूर्य नमस्कार के बाद आप दंड बैठक भी लगा सकते हैं। आज मुझे थोड़ा सा टाइम हो चुका है, हुआ है ज़्यादा, तो इसके लिए आज मैं आपको थोड़ा कम ही बताऊंगा। फिर स्थित कोणासन करते हैं, देखिए ऐसे इसे भी डेली करना है, हर दिन करना है, इससे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, खाया पिया पचन हो जाता है और पेट साफ रहता है, इससे या गैस दूर होता है, पेट की समस्या आपकी दूर हो जाती है। ये किया कीजिए डेली 2-3 मिनट, ऐसे 1 मिनट तो डेली कीजिए इसको। और जिनको ज़्यादा मोटापा है उनको थोड़ा सा ज़्यादा करना है, इस स्थित कोणासन को 2 मिनट करना है उन लोगों को जिनको ज़्यादा मोटापा है, और जो नॉर्मल है वो 1 मिनट डेली करना उनको ऐसे। फिर चक्की आसन करते हैं, ऐसे गोल गोल घुमाना है पूरा, हाथों के ऊपर से पंजे को लेना है और फिर यहाँ से जांघों के ऊपर से आनी चाहिए नीचे, ऐसे ऐसे हाथों को नहीं घुमाना, पूरा घुमाना हाथों को ऐसे। ये सूक्ष्म व्यायाम भी बहुत लाभकारी है शरीर के लिए, शरीर में ऊर्जा आती है, ताकत आती है, निगेटिविटी दूर हो जाती है, आपकी निराशा दूर हो जाती है। और अब जो आपको बहुत अच्छा लगेगा ऐसे सूक्ष्म व्यायाम कीजिए। फिर देखिए ऐसे करते हैं बटरफ्लाई, फिर ऐसे सिद्धासन में बैठते हैं और उंगलियों को ऊपर नीचे करते हैं। बहुत आसान है ये, सिर्फ टाइम देना पड़ता है आपको और 20-25 मिनट हर दिन आपको देने चाहिए। अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए योगा करना चाहिए। देखिए ऐसे, फिर ऐसे मुट्ठी को बंद करके पंजों को गोल गोल घुमाना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और 10-12 बार हाथों को ऊपर नीचे करते हैं। आगे से फिर साइड से 10-12 बार, फिर ऐसे ही हाथों को कंधों पर रखना और गोल गोल घुमाना।
पूरा शरीर स्ट्रांग बनता जाएगा, आपकी बॉडी बनती जाएगी। धीरे धीरे योग कीजिए, जैसे कंधों को घुमाते हैं और हाथों से घुटनों की मालिश करते हैं। गर्दन का व्यायाम एक बार बाई ओर किया, एक बार दाहिनी ओर गर्दन को घुमाया, ऐसे डेली कीजिए मेरे साथ। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बिल्कुल फ्री में आपको ये वीडियो देखने को मिलते हैं, तो इसका लाभ उठाइए। वीडियो को देखिए और ऐसा योगा अभ्यास कीजिए। फिर आप थोड़ा सा मौन हो जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान करते हैं, श्वास प्रश्वास पर ओम का ध्यान। दोनों हाथों को ऐसे आपस में रगड़ते हैं और हल्के से अपने चेहरे के ऊपर से हम घुमाते हैं। ये हो गया आज का योगा क्षेत्र, योग की कक्षा। थोड़ा सा ही व्यायाम करवाया है मैंने आज आपका, तो डेली इस प्रकार 10-15 मिनट 20 मिनट आपको ये इतना डेली करना है, धीरे धीरे करना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। धीरे धीरे मध्यम गति से अपने शरीर के अनुसार, आपके सामर्थ्य के अनुसार आपको ये योगाभ्यास की प्रैक्टिस हर दिन करनी चाहिए। इससे आपका शरीर बहुत ही अच्छा रहता है। डेली थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही डेली करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।